अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ में खाया आम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल में नियमित जांच और इंसुलिन देने की मांग से जुड़ी याचिका पर राव रिवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट में एक बार फिर तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल के खान पान का मुद्दा उठा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए जेल में 48 बार घर का खाना गया, जिसमें से सिर्फ 3 बार आम भेजा गया था। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को खाने में आम नहीं भेजा गया। वहीं 48 बार में से सिर्फ 1 बार नवरात्रि के खाने में पूरी खाई। इस पर ईडी ने कोर्ट को बताया कि जेल अथॉरिटी की तरफ से केजरीवाल के डाइट चार्ट की रिपोर्ट आ रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की नियमित जांच और इंसुलिन मुहैया कराने की मांग पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सभी को याचिका की कॉपी देने को कहा। कोर्ट ने कहा, हमें अभी इस बारे में नहीं पता है कि अर्जी में क्या मांग की गई है। इस पर सिंघवी ने बताया कि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को अर्जी की कॉपी दे दी थी। ईडी सरासर झूठ बोल रही है, आतिशी ने कहा। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। इतनी मात्रा में इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसे सीवियर डायबिटीज होती है। डायबिटिक पेशेंट क्या खाएगा, क्या एक्सरसाइज करेगा, ये तय रहता है। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें घर के खाने की परमिशन दी है। भाजपा का अनुषांगिक संगठन ईडी केजरीवाल का स्वास्थ्य बिगाड़ना और उनका घर का खाना रोकना चाहता है। ईडी का ये कहना कि केजरीवाल मीठी चाय पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, सरासर झूठ है। केजरीवाल के वकील ने क्या कहा? सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया, उसमें से केवल 3 बार ही आम आए थे। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी से अपना जवाब दाखिल करने कहा। साथ ही फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। भाजपा ने इस आरोप को निराधार बताया। भाजपा प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने कहा कि हम सभी उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तिहाड़ जेल प्रशासन को चाहिए कि वे अपने मरीज कैदियों की अच्छे से देखभाल करें। कोई भी सरकारी एजेंसी या जेल प्रशासन किसी कैदी की जिंदगी स्वास्थ्य को खतरे में क्यों डालेगी? ईडी ने लगाए थे ये आरोप। ईडी के मुताबिक केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वे जेल में आलू पूरी आम और मीठा खा रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में 18 दिन से बंद है और उन्हें घर का खाना खाने की परमिशन मिली है। कोर्ट ने इन आरोपों के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन से केजरीवाल के खाने पीने और दवाओं की रिपोर्ट मांगी थी। इधर केजरीवाल ने जेल में इंसुलिन मुहैया कराने के लिए राव रिवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की। आपका दावा, एजेंसी घर का खाना बंद करना चाहती है। केजरीवाल को लेकर ईडी के आरोपों के बाद 18 अप्रैल को दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, उन्हें सीवियर डायबिटीज है। ईडी केजरीवाल का घर का खाना बंद करना चाहती है। आतिशी ने कहा, डायबिटिक पेशेंट क्या खाएगा, क्या एक्सरसाइज करेगा, ये तो पहले से ही तय रहता है। इसी वजह से कोर्ट ने उन्हें घर के खाने की परमिशन दी है, लेकिन ईडी केजरीवाल की सेहत बिगाड़ना और उनका घर का खाना रोकना चाहती है। ईडी के ये आरोप सरासर झूठे बताए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एन भारत।